हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीरज और स्वागत करती हूं अपने चैनल नीरज कुकिंग ब्लॉग्स में। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेसिपी जो बिना गैस जलाए हमें इसे बनाया है और इसमें क्रीम का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिया है, उसको मैंने चाकू से कट कर लिया है। अब इसको मेल्ट करेंगे। तो चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए हमें चाहिए गर्म पानी। गर्म पानी में इस चॉकलेट के बाउल को हम डाल देंगे कटोरी को, और कुछ देर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। तो यहाँ मैंने लिया है एक डब्बा, चॉकलेट का डब्बा, और ये रेक्टेंगल शेप में है। इसके ऊपर मैंने बटर पेपर को लगा दिया है अच्छे से। अब मैंने यहाँ लिया है बिस्किट, छोटे वाले पैकेट ओरियो के, 4 पैकेट मैंने यहाँ लिया है। अब इन सबको फाड़ के और इसकी क्रीम को अलग और बिस्किट को अलग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ नाइफ़ की हेल्प से क्रीम को अलग और इसके बिस्किट को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे बिस्किट को और क्रीम को अलग कर दिया है। अब इन क्रीम को अलग कर देंगे और इस बिस्किट को मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक इसको पीस लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरी बिस्किट पीस के तैयार है, बहुत ही बारीक इसको पीस लिया है मैंने। अब इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ मैंने अलग बर्तन में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसमें डालेंगे चॉकलेट, मेल्ट किया हुआ चॉकलेट। तो इसकी प्रोसेस के लिए मैंने कोई मेजरमेंट का यूज़ नहीं किया है। हमें जितनी चाहिए चॉकलेट का सिरप उतना हम ले लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा डो तैयार हो गया है मेरा। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब इसकी पहली पार्ट को, जो डब्बा मैंने तैयार करके रखा था ना, उसमें इसको डाल देंगे। बिल्कुल रेक्टेंगल शेप में इसे बनाएंगे, इसको हाथों से प्रेस करके एक अच्छा सा रेक्टेंगल शेप देंगे। अब इसे आइसिंग नाइफ के हेल्प से मैंने इसे अच्छा से प्रेस करके शेप दे दिया है। अब इसको फ्रीज में रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अब हम क्रीम को यहाँ मेल्ट कर लेंगे। अब इसे चम्मच की हेल्प से अच्छे से तोड़ लेंगे, और इसको मेल्ट होने के लिए मैंने यहाँ दूध का यूज़ किया है। तो जितनी मुझे ज़रूरत है उतनी दूध मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लिया है मैंने, ना ठंडा और ना ही कच्चा दूध लेंगे, रूम टेम्परेचर का दूध यहाँ यूज़ किया है। और आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है, स्मूथ सा पेस्ट बन के तैयार है हमारा। तो अब इसकी लेयरिंग करते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके थे, मैंने इसको फ्रिज में रखा था। अब इसके ऊपर इसकी क्रीम की लेयरिंग कर देंगे, यानी आइसिंग कर देंगे, कोट कर देंगे। तो यहाँ मैं अच्छे से कोट कर दिया है, सबकी लेयरिंग अच्छे से हो गई है। तो अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे। तो अब तैयार कर लेंगे दूसरा डो, तो उसको भी रेक्टेंगल शेप में ही तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने शेप दे दिया है। अब इसको जो मैं फ्रीज में रखी हूँ उसके ऊपर लेयरिंग कर दूँगी। तो इसको भी रेक्टेंगल शेप में ही लेयरिंग इसका कर देंगे। ये ओरियो बार की रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसलिए आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और यहाँ मैंने आइसिंग नाइफ की हेल्प से इसको अच्छे से शेप इसका दे दिया है। तो अब इसको भी फ्रीज में रख देंगे कम से कम आधा घंटा के लिए। तो यहाँ देखिए आधे घंटे हो चुके हैं, अब मैं उसको उठाती हूँ, बहुत अच्छे से ये जम चुका है। और इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसकी कट लगा लेंगे। तो आप जैसा शेप देना चाहें उस शेप में आप इसकी कट लगा लें। तो मैंने 5 स्टार की जो शेप आती है ना चॉकलेट की, उसी शेप में इसे काटा है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारी हमारी ओरियो बार बनके तैयार है। अब इसकी कोट करेंगे। तो ये अभी पूरी बनी नहीं है, इसकी बाकी की कट लगा लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, और खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 पैकेट बिस्किट से मैंने कितना सारा ओरियो बना के तैयार कर लिया। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ मैंने जो मेल्ट करके चॉकलेट रखा था उसमें इसको कोट कर देंगे।
और कोट करने के बाद मैं इसको अलग बर्तन में रखती हूँ। इसके ऊपर बटर पेपर लगा दी हूँ। अब इसे फोक की हेल्प से सारे ओरियो बार को हम अच्छे से बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 घंटे हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और जो हमारी चॉकलेट बची थी उससे मैं इसकी गार्निशिंग कर दी हूँ, सजा दी हूँ। तो यहाँ आप जैसा डिज़ाइन बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। मैंने यहाँ जिगजैग वाली डिज़ाइन बनाई है। अब इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगा देंगे। गोल्डन कलर का मैंने स्प्रिंकल्स का यूज़ किया है यहाँ पे, तो इससे काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये हमारा ओरियो बार। और 2 घंटे बाद आप इसकी लुक देख सकते हैं फ्रेंड्स। वाओ, बच्चों को बहुत ही पसंद आता है ये, तो इसलिए आप अपने घर में बनाइए और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करिए। तो बाकी के 4 पीसेस हमारे बच्चे खा लिए थे, तो इसीलिए मेरा ओरियो बार कम दिख रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो यहाँ देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।